चलिए, आज हम बात करने वाले हैं विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या चीज होती है, इसे हमें क्यों बनाना चाहिए। पेपर पेन लेके बैठिएगा, अगर नहीं भी आप अभी नोट कर पा रहे, कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग कि आपके पास नहीं है, पर पेपर पेन ले लीजिएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर न्यू ईयर को प्लान करने जा रहे हैं और न्यू ईयर की प्लानिंग सक्सेसफुली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें लेके आएगी। मैं और रूबी जी इस चीज को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे पहले जो डेज गए हैं उसके अंदर हमारी ये पेड सेशन रहता है, जिसके अंदर हम लोगों को मैनिफेस्टेशन करना सिखाते हैं। हम लोगों का अपना एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम डेली, मतलब एवरी डे मैनिफेस्टेशन करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ी चीज है, जिसे शायद अगर आप लोगों ने न्यू ईयर के अंदर अपनी लाइफ में एड ऑन कर लिया, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरिकल्स एड ऑन होने शुरू हो जाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को लेके हम लोग आपके साथ जुड़ने लगे हैं। मैं दीप्ति गुप्ता, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, क्रिस्टल हीलर, बहुत सारी मॉडलिटी सीखने के बाद एक चीज समझ में आई कि हम क्या डोनेट कर सकते हैं और कैसे। एक लिमिट तक ही हम अपनी एजुकेशन को अपने तक रख सकते हैं, उसके बाद हमें वो यूनिवर्स के साथ मिलके आप लोगों तक पहुंचानी है। आई डोंट नो कि कौन कौन आज के पार्ट बनेंगे और किन तक ये डिलीवर होगा, मुझे नहीं पता, पर रियली न्यूमरोलॉजी साइंस अपने में है, वैदिक साइंस अपने में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक बहुत बड़ी साइंस है। हम कैसे चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं और कैसे हम चीजों को अचीव करते हैं, अगर आपने, और सबसे अच्छा कौन सा डे होता है विजन बोर्ड को बनाने का, विजन बोर्ड के कितने स्टेप्स होते हैं, हम कैसे कैसे उसकी प्लानिंग करते हैं, उसका पर्पस क्या है, किन किन एरियाज में हमें काम करने की जरूरत होती है, इन्हीं सब चीजों को हम एक शॉर्ट उसके अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। और ट्रस्ट मी, ये आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग लेके आएगा, बिलीव मी, क्योंकि हम लोग ये करते हैं और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ये हमारे साथ करते हैं, और आप भी कीजिएगा। और आप लोग सब मदर्स हैं, अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए भी ये क्रिएट करेंगे ना, तो आप देखेंगे उनकी लाइफ में भी चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आता है वो ये आता है, विजन बोर्ड का पर्पस क्या होता है, विजन बोर्ड होता क्या है। एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि विजन बोर्ड किस लिए होता है। जैसे अभी मतलब हम जब पूछ रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने बोला विजन बोर्ड हमारे ड्रीम्स के लिए होता है। ड्रीम्स तो हमारे बहुत सारे होते हैं, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स भी होते हैं, और बहुत सारे ड्रीम्स को, मतलब हम उसको कैसे प्लान करते हैं, कैसे हम उसके लिए बोर्ड क्रिएट करते हैं। हम घर में एक कोलार्ज बनाते हैं, कोलार्ज में क्या होता है, हमारी फोटोग्राफ्स होती हैं, राइट। एक फोटोग्राफ्स का कोलार्ज होता है, उसमें हमारी पिक्चर्स होती हैं, हमारी मेमोरीज होती हैं, जिनको हम देख के हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, जिसको हम कोलार्ज बनाते हैं। ऐसे जो विजन बोर्ड होता है, हम जो अफर्मेशन करते हैं, दैट इज द वर्ड्स, हम उसके अंदर कुछ लिखते हैं, ठीक है, अफर्म करते हैं। ऐसे ही जब हम अपना विजन बोर्ड बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं, कुछ हमारे गोल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल मन में आता है वो ये आता है कि क्या विजन बोर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें बनाना चाहिए। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल, हम लोगों को, सभी को अपने लिए विजन बोर्ड बनाना चाहिए। उसका रीजन कि हमें विजन बोर्ड बनाने से हमें क्या मिलता है, हमारे कुछ ड्रीम्स हैं, हमारे कुछ गोल हैं, हमारे को किन चीजों पे अपनी लाइफ में काम करने की जरूरत है, हमारे गोल किस तरह के होने चाहिए, हमें क्या डायरेक्शन चूज करनी चाहिए, इन सब सवालों के। अब एक एग्जाम्पल लेके अगर हम बात करें, अगर हमें अपना एक घर बनाना है, घर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप में से कोई बताएं, घर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एनीवन एल्स, हैंड रेज कीजिए, या आप अपना वो ऑन कर सकते हैं, किसी को भी, नक्शा नक्शा नक्शा। ओके, रुचिका जी कह रहे हैं नक्शा होना चाहिए, मालती जी आपका क्या कहना है, हाँ, नक्शा, नक्शा होना चाहिए। नक्शा होना चाहिए। और मैं अगर बात करूं, तो मैं ये कहूंगी सबसे पहले हमारे पास कोई प्लॉट होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। मतलब हम जिसको डिजाइन करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए होता है, हमारे पास एक नक्शा होता है, नक्शे से पहले हमारे पास एक जगह होती है। अब उस जगह में हमें कहाँ पे क्या चीज बनानी है, हम उसको कहते हैं नक्शा, ड्राइंग करना, कि हमारे को यहाँ हमारा, अब अगर मतलब देखिए, समय के साथ साथ ना विजन बोर्ड क्रिएट करने का चीजें में भी चेंजिंग आती है। जैसे कि आज हम जब नक्शा बनाते हैं, तो हम उसमें वास्तु ऐड करते हैं। जनरली जो आजकल एडवांस उसमें आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जो हमारा नक्शा बने वो अकॉर्डिंग टू वास्तु बने,
तो हम पहले वास्तु की डायरेक्शंस देखते हैं कि हमारी जो एंट्रेंस होगी वो कहाँ से होनी चाहिए, हमारा जो बच्चों का रूम है वो कहाँ होना चाहिए, ये सब चीजों को हम वहाँ पे देखते हैं। तो मैं भी अब जब जैसे जैसे मॉडलिटी सीखते चले गए वैसे वैसे हम इसके अंदर विजन बोर्ड में हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी भी ऐड करी, हमने इसमें वास्तु भी ऐड किया, हमने इसमें गोल भी सेट किए। तो सारी चीजें हमने ऐड करने के बाद जो हर साल हमें सीखते जाते हैं लगता है इसे ऐड ऑन करना चाहिए, तो वो सब चीजें हम ऐड करते हैं। तो जब हम नक्शा बनवाते हैं तो नक्शे के अंदर हमारी सारी चीजें, हमारा रूम कहाँ होना चाहिए, हमारा वो कहाँ होना चाहिए, जब हमारा वो सारा लेआउट तैयार हो जाता है तो हम कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे अब तो इंटीरियर भी चाहिए, हमें यहाँ पे कलरिंग कैसी करनी चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है। कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं जो हमने ड्रॉ किया हुआ होता है। ऐसे ही हम जब अपनी ईयर की प्लानिंग करते हैं, एक चीज होती है ड्रीम और गोल, वो हमारे अगर लॉन्ग टर्म है डेट इज कॉल्ड अ ड्रीम बोर्ड। दो चीजें हैं, पहले आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा ड्रीम बोर्ड और विजन बोर्ड में क्या डिफरेंस है। ड्रीम बोर्ड आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और हमारा जो शॉर्ट टर्म जैसे कि 6 महीने या 1 साल या 12 महीने के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं दैट्स कॉल्ड अ विजन बोर्ड। विजन बोर्ड जब हमारे पास होता है तब हमें ये पता चलता है कि हमारी किन डायरेक्शन में हमें काम करने की जरूरत है, किन किन डायरेक्शंस में हमारी डिजायर्स क्या है, हमारे ड्रीम्स क्या है। क्या होता है, हम समय के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं और समय के साथ साथ हम अपने मोटिव से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता चला जाता है हमारे गोल भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे फोकस होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम विजन बोर्ड बनाते हैं तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमने किन चीजों पे काम किया और किन चीजों का रिजल्ट मिला, ये सब चीजें वहां पे हम इंक्लूड करते हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों को अपना विजन बोर्ड जरूर बनाना चाहिए। 1 साल 6 महीने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है ये विजन बोर्ड हमें बनाना कब चाहिए। डेफिनेटली हर चीज के लिए हमने, मैंने बोला ना जैसे जैसे समय बढ़ता गया हमने मॉडलिटी सीखते गए वैसे वैसे हमने चीजों को एड ऑन करना सीखा। सबसे अच्छा दिन होता है वैसे तो, जैसे 2023 खत्म होने वाला है और 2024 स्टार्ट होने वाला है तो डेफिनेटली एक एक ईयर की स्टार्टिंग है तो हम इसे ईयर के स्टार्टिंग में बना सकते हैं। और बेस्ट डे होता है आप इसे फुल मून पे बनाना शुरू करें, जो आपकी आपका जो भी चीजें हैं जो आप बोर्ड क्रिएट करें इसे आप फुल मून पे बनाएं। वैसे तो कभी भी बना सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कभी पर्टिकुलर कोई डे की जरूरत है, पर आप इसे अगर फुल मून पे बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आपको सेकंड जो चीज है विजन बोर्ड बनाते टाइम ये दिमाग में होनी चाहिए कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, पहली चीज क्यों बनाना चाहिए जो मैंने आपको क्लियर किया, सेकंड हमारी चीज आती है कि हमें इसे कैसे बनाना है। अब अगर हम कैसे की बात करें कि हाउ टू मेक इट, तो सबसे पहले हमको मतलब कॉन्सिस्टेंटली किसी चीज को मतलब देखना और उसके ऊपर फोकस करना, तो वो पॉइंट्स उसमें जरूर इंक्लूड होने चाहिए। सेकेंडली हमें मेंशन, कोई चीज हम जब लिख देते हैं हम उसको मेंशन कर देते हैं तो डेफिनेटली वो चीज हम पाना चाहते हैं, हम उसे अचीव करेंगे, ये चीज उसमें मेंशन होती है तो हमारा ध्यान उस तरफ हमेशा लगा रहता है कि नहीं ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है, मुझे इसे पूरा करना है और मुझे एट एनी कॉस्ट मुझे पूरा करना है, तो हमारा जो फोकस है वो वहां पे रहता है, हम कभी भी आउट ऑफ डायरेक्शन नहीं जाते। हमारी डायरेक्शन हमें पता है, हमारा फोकस हमें पता है, हमें पता है हमारा मिशन क्या है। तो किसी भी चीज को, मिशन को पूरा करने के लिए हमें जो जो एफर्ट करने हैं वो दैट इज द स्टेप्स कि हमें कैसे कैसे स्टेप करना है उस चीज को पूरा करने के लिए, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्लैरिटी होती है कि हमें क्या करना है, तो हम ये सारी चीजें वहां पे मेंशन जरूर करते हैं। अब बात आ गई कि हमें कब बनाना चाहिए, दैट इज क्लियर। अब हमें इनको करने के लिए किन स्टेप्स की जरूरत है, डेफिनेटली 2023 में आपने जिन जिन चीजों पे काम किया, आपने जो जो आपके ड्रीम्स थे, अब डेफिनेटली ऐसा नहीं होता कि हमारे हर कोई ड्रीम पूरे हो जाते हैं, कुछ तो ऐसी चीजें रह गई होंगी जो आपको लगता होगा कि यार मेरी ये चीजें कहीं ना कहीं रह गई और मुझे इसे पूरा करना नेक्स्ट ईयर में पूरा करना है। तो पहले तो आप उसे फिल्टर कीजिए कि आपने क्या क्या सोचा था लास्ट ईयर करने का और क्या क्या चीजें रह गई। पहली चीज, जब हम कोई चीज के अंदर फेलियर भी होते हैं तो वो चीजें हमें कुछ सिखा के जाती हैं।
अब 2023 ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी तो होगा, कुछ तो लर्निंग एटीट्यूड हमारा रहा होगा, कुछ तो चीजें हमने सोची थी, तो वो क्या क्या चीजें थी, हमने क्या क्या सीखा, डेफिनेटली आप उसे पेन मार्क कर दीजिए, नोट डाउन दैट थिंग्स जो 2023 में आपने सीखी, क्या चीजें थी ऐसी जिसके ऊपर आपको लगा कि मैंने ये चीजें सीखी हैं, यार मुझे इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना ही करना है। सेकंड, मेरी कौन कौन सी चीजें अचीव हुई और कौन कौन सी चीजें मेरी रह गई। अब आपको लिस्ट डाउन करना है कौन कौन सी चीजें रह गई, आप उसे नोट डाउन करिए एक साइड में कि मेरा क्या क्या काम अभी मुझे करना है। अब आते हैं हम 2024 की प्लानिंग के लिए, 2024 में आपने क्या क्या सोच रखा है, सबसे पहले उसे पेन डाउन कर लीजिए, सब चीजें लिख लीजिए कि मुझे क्या क्या काम करना है 2024 में, 2024 में मेरे क्या गोल हैं, मेरे क्या ड्रीम्स हैं जिन्हें मुझे पाना है, 2023 में क्या क्या चीजें रह गई पेन डाउन, मैंने क्या क्या चीजें सीखी, मैंने अपने 2023 में मुझे क्या क्या ऐसी चीजें मिली जो मेरे लर्निंग में थी, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी लेकिन फिर भी मेरे को वो सीखने को मिली, दैट इज द पेन डाउन, राइट। ये सारे हमारे स्टेप्स हो गए कि हमें विजन बोर्ड क्यों बनाना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, किन चीजों पे प्रोस्पेक्ट्स में हमें काम करना है, उसे हमें पेन मार्क, क्या क्या चीजें हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे गोल क्या क्या है, वो सारे पेन डाउन कीजिए, उसके बाद कब बनाना है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि इसके बाद के स्टेप्स में आपको क्रिएट करने का बताऊंगी कि अब हमें किन किन चीजों पर काम करना। किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक? मैम वंदीप, मेरा क्वेश्चन। सत श्री अकाल मैम, कैसे सत श्री अकाल जी, हो मैम? ऑल गुड, ऑलवेज बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू आर राइट मैम। मेरे को ना एक्चुअली पूछना है कि ये कौन से टाइम पे करना है ये, क्योंकि मैंने ना जस्ट अभी 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन किया है। मैंने अभी क्लास में बताया कि हमें ये कब बनाना चाहिए, तो आप इसे न्यू ईयर पे भी बना सकते हैं, लेकिन जो बनाने को आप कभी भी बना सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, बट अगर आप इसे न्यू मून पे क्रिएट करें तो बहुत अच्छा रहता है। आज रात को? आज रात को अब, लेकिन पिक्चर्स नहीं होंगे, क्योंकि विजन बोर्ड का मतलब ये होता है सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ पिक्चर्स लेते हैं जो आपने सोची हो, अगर वो आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, आपके पास कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स हैं या आपने कुछ थॉट प्रोसेस में सोचो आपसे कनेक्टेड हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपको इसमें पिक्चर्स लेनी होती है, पिक्चर्स की कटिंग करनी होती है, उसके नीचे आपको कुछ अफर्मेशन लिखनी होती है, जो अफर्मेशन हो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए कि हाँ आपने इसे अचीव कर लिया, तो वो आप नीचे पेन डाउन कर सकते हैं उस फोटोग्राफ के नीचे। और ये सारी चीजें मैं अभी स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे कैसे हमें क्या क्या, लेकिन विजन बोर्ड का मतलब होता है पिक्चर्स एंड अफर्मेशंस। ठीक है मैम, ठीक डायरी है, भी लिखते हैं डन। ना, एक होती है हमारी ड्रीम डायरी, ड्रीम डायरी के अंदर तो हम अपनी ड्रीम्स लिखते हैं, लेकिन दैट इज, ये जो हम बनाना सीख रहे हैं ये विजन बोर्ड है, तो इसके अंदर क्या चीज हमें अट्रैक्ट करती है, कुछ अच्छा सा ना क्रिएटिविटी, तो उसके अंदर हमारी कुछ, अब किसी का घर है तो उसने अपना घर के बारे में सोचा होगा, मुझे एक ऐसा घर चाहिए, उसकी बाहर की बालकोनी ऐसी होनी चाहिए या उसमें शीशा लगा होना चाहिए, तो वो एक पिक्चर आपने कहीं से कटिंग की होगी, कोई कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे को बहुत टच करते हैं, जैसे मैं अगर वास्तु जब भी क्लास लेती हूँ तो वास्तु के अंदर मेरा एक स्लोगन है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, हर घर कुछ कहता है, तो इस तरह के कुछ आपको कोटेशंस मिल जाए आप वहां पे वो डाल सकते हैं, आप अपनी अफर्मेशंस डाल सकते हैं, इन सब चीजों से हम अपना विजन बोर्ड क्रिएट करें। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, और कुछ ओके मैम, किसी का, थैंक। और किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक जितना हमने, वहां तक के लिए आई थिंक सबको क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब हम आते हैं कि हमें मतलब विजन बोर्ड के अंदर किन स्टेप्स को कवर करना है, तो इसके जो स्टेप्स हैं हम किन किन स्टेप्स को कैसे कैसे कवर करेंगे, तो बेसिकली नंबर वन, नोट डाउन योर, जहां पे भी आप लिख रहे हैं हम वहां पे लिखिए, मैं जब भी किसी को विजन बोर्ड बनवाती हूँ या मैं खुद अपने लिए बनाती हूँ, तो मेरी सबसे पहली चीज ग्रेटिट्यूड से शुरू होती है, तो ऑलवेज बी ग्रेटिट्यूड सबसे फर्स्ट स्टेप है, आप ग्रेटिट्यूड करें। 2023 में आपने कुछ तो चीजें अचीव करी ना, तो आपने जो जो चीजें अचीव करी, पहले सबसे पहला स्टेप आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें, उस परमात्मा ने, उस भगवान ने, उस रब ने आपको क्या क्या चीजें दी, उसके पहले सबसे पहले आप उसके लिए शुक्राना बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज ए ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, थैंक यू,
आपको क्या क्या मिला, क्या क्या आपको ग्रेटिट्यूड में परमात्मा ने दिया। सेकंड जो सेकंड स्टेप है वो हमारा होता है कैरियर। आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ गोल सेट किए होंगे, करियर कुछ तो बनाया होगा कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो डेफिनेटली उसकी बिजनेस प्लानिंग कि उसे आगे बिजनेस, जैसे अब मेरी अगर टर्नओवर इतने करोड़ की है तो मुझे अपने अगले साल की जो टर्नओवर है वो कहाँ लेके जानी है। मेरे को अगर अपना कोई जॉब है तो जॉब के अंदर मेरे क्या गोल होंगे या क्या मेरे फोकस पॉइंट होंगे, तो वो नंबर सेकंड आपको अपना बिजनेस को वहां पे डालना है। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए बना रहे हैं तो डेफिनेटली उनके बिजनेस या जॉब को लेके। थर्ड चीज जो आती है वो आती है आपके चिल्ड्रन, बच्चे। थर्ड पॉइंट इज योर बच्चे एंड योर क्रिएटिविटी। अब कुछ लोगों के बच्चे हैं तो बच्चों के लिए उन्होंने कुछ ड्रीम सोचे होंगे कि इस साल मुझे अपने बच्चे को इस कॉलेज में एडमिशन कराना है, या मेरे को इस इंजीनियरिंग या कुछ भी, जो भी आपके बच्चों से रिलेटेड ड्रीम्स होंगे आप वहां पे उसे मेंशन करेंगे। दैट इज द नंबर थ्री। वहां पे आप अगर बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचे तो आपको अपनी क्रिएटिविटी के लिए आपको क्या करना है आप उसको वहां पे मेंशन कर सकते हैं। अपने लिए कर रहे हैं तो अपनी सेल्फ क्रिएटिविटी के लिए, और अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ गोल सेट कर रहे हैं तो आपको अपने बच्चों के किस चीज पे काम करना है, बच्चों के किस चीज को आपको निकाल के लेके आना है आप उसको वहां पे मेंशन करेंगे। बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें, एज ए मदर हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं तो आप वहां पे उसको मेंशन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे, हर किसी का साल का एक ड्रीम होता है ट्रेवलिंग का, कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है। एक मिनट जस्ट होल्ड। समझ में आ रही होंगी आप सबको ये सब चीजें। प्लीज शो मी थम। यस ओके मैम। मैम, चलिए चलो बीच में मैं एक चीज आपसे और शेयर करती हूँ। आप लोगों को पता है कि ये जो 2024 आ रहा है इसका अगर हम टोटल करते हैं तो उसका टोटल कितने पे आता है? एट। ठीक है, एट पे, तो एट जो एट है पे ये गोल्ड हमारा कौन से प्लेनेट से रूल करता है? सैटर्न से, शनि से। हाँ शनि का ये साल आने वाला है। तो सैटर्न के साल में न्यायाधीश तो वो है ही, सबका न्याय होने वाला है, कर्मस के अकॉर्डिंग सबको मिलने वाला है, जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। और ये साल में बहुत कुछ देखे जाने वाला है। जहां हम रिलेट करते हैं आठ नंबर, आठ नंबर हमारा क्या है? अर्थ एलिमेंट। क्लियर? तो इस साल में अगर किसी को प्रॉपर्टी बनानी है, कोई न्यू गाड़ी लेनी है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, किसी बिजनेस में लगाना है, तो बहुत अच्छा साल है और ये साल बहुत तरह से लोगों को प्रॉफिट दे के जाएगा। बट चाहिए क्या यहाँ पे? ऑनेस्टी। किसी के साथ चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। और कहते हैं ना कलयुग के भगवान यहाँ पे जैसे लैपटॉप लेके ही बैठे हैं, तो इंसाफ साथ के साथ ही होने वाला है। तो चीटिंग मत कीजिएगा, ऑनेस्टली सारे काम कीजिएगा। तो एक चीज और बताती मैम, 2 मिनट ले रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट। तो आप लोगों को एक सिंबल जो मैंने इन्फिनिटी का बताया था लास्ट क्लास में, इन्फिनिटी मतलब लेटा हुआ एट, एक सीधा एट। तो आठ नंबर जो है तो उसको हमें कहाँ पे, आपको न्यू ईयर के बाद फर्स्ट डेट से ही स्टार्ट करना है। शनि की फिंगर बताई थी फर्स्ट से सेकंड वाली, इंडेक्स के साथ वाली फिंगर जो होती है हमारी, मध्यमा उंगली कहते हैं उसको, उस फिंगर के नीचे आपको इन्फिनिटी का साइन बनाना है। और ट्राई करना कि इसको आप पर्पल कलर से बनाएं, अगर नहीं किसी के पास है तो वहां आप ब्लू कलर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबके लिए बहुत से लोगों में आप वीडियोस में देखेंगे कि सब बोल रहे हैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो मैम यहाँ पे मैं आप जुपिटर, लोगों को अवेयर कर दूँ थोड़ा सा, तो आप लोगों को कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इन्फिनिटी का सिंबल नहीं ड्रॉ करना, उसके अंदर आप लोग अपनी बर्थ डेट देख सकते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट टू बेसिक या डेस्टिनी, बेसिक या डेस्टिनी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को आई थिंक पता होगा क्या होता है। फर्स्ट हमारी होती है बेसिक जो डेट होती है बर्थडे की, और सेकंड जो डेस्टिनी होता है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ का सम होता है, टोटल कर देते हैं जिसको हम विद सेंचुरी, जैसे कि 25/11/1979, तो 2 और 5 को मिला के बनता है बेसिक 7, और पूरी डीओबी को अगर हम टोटल करते हैं तो 35 से 8, तो यानी 7 और 8 का कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को अपनी बर्थ डेट देखनी है। यहाँ पे स्पेशली आप साइड में एक नोट कर लीजिए, जिनके डेट ऑफ बर्थ में बेसिक डेस्टिनी 2 है 1 है और 9 है, उन लोगों को इन्फिनिटी का सिंबल ड्रॉ नहीं करना। क्लियर हुआ? मैम जी
जिनकी ईयर में आता है यहाँ पे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ टोटल जैसे वन, टोटल टोटल मैम, टोटल फर्स्ट बेसिक बताया, बर्थ डेट, एंड फिर पूरी डेट ऑफ बर्थ का सम, ठीक है? तो आप लोग ये कैलकुलेट करके ग्रुप में डालना, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वहां मैं करेक्ट कर दूंगी अगर नहीं समझ में आएगा। और आप लोग जिन लोगों को 2-1 और 9 वालों को ये ड्रॉ नहीं करना, तो उनको क्या करना है, जो हमारी जो सबसे स्मॉल फिंगर होती है, चीची उंगली बोलते हैं उसको, उसके नीचे आप 32 लिखोगे और ग्रीन पेन से लिखोगे पूरा ईयर। क्लियर? दो चीजें करने को बताई मैंने आपको, इन्फिनिटी और ये, एंड थर्ड वन इज वीनस माउंट। वीनस माउंट पे 24, 24 भी सबको नहीं लिखना, जो मैंने नंबर अवॉइड कराए हैं 1, 2 एंड 9, जिसका बेसिक और डेस्टिनी 1 to 9 है, वो 24 नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखेंगे। मैं तो रोज लिख रही हूँ, मेरा बेसिक 9 है और क्या लिख रहे डेस्टिनी हो आप, वो क्या लिख रहे? 24, आपने 24 आपने बताया था ना उस दिन नहीं, वो क्लास वो में, 24 नहीं था मैम, वो था गुरु वो का सिंबल, हाँ हाँ वो वही जुपिटर का वही बन सिंबल था। हाँ, तो अभी मैम वही आपको जो बना रही हूँ। इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो 2024 के लिए दी जा रही है। ये पास्ट ईयर था अच्छा जो आप लिखते जा रहे थे, अभी न्यू हाँ ईयर 1 जैन से आपको जो करना है वो चीजें बता रही हूँ। ठीक है क्लियर? तो चलो अभी हाँ तक हाँ जो कर रहे थे उसके बाद आपको 1 जैन से उसको थोड़ा सा चेंज करना है। थैंक ओके यू मैम मैम। ओके 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 थैंक यू मैम ठीक मैम आप स्टार्ट है। आप करो, इनकी पिक्चर सॉरी क्लास आप शेयर बीच करते में हैं गए तो कल मैंने कहा इनको बोर ना होने दो, कुछ मैम, बता दूं। एक्चुअली मैं पूरी माछी है ना, तो बहुत सारे रिचुअल्स हैं। जी, अभी बताने वाली हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैम का ये होने के बाद, सेशन खत्म होने के बाद मैं बहुत सारी चीजें आपको और बताती हूँ जो आज नाइट में आपको करनी है। तो हम लोग जहाँ पे थे वहां पे हमने किया था कि हमें, हाँ, ट्रेवल साल के अंदर हम लोगों की प्लानिंग जरूर होती है। हम लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ प्लान जरूर करते हैं। किसी को मौज मस्ती करने के लिए गोवा जाना होता है, और किसी को कोई तीर्थ स्थान पे जाना होता है। तो अगर इस तरह का कोई भी आपके माइंड में, मतलब कुछ भी ऐसा प्लान आउट, और करना चाहिए साल में एक बार आपको अपनी फैमिली के साथ जरूर प्लान करना चाहिए कहीं बाहर जाने का। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्टक रहते हैं घर की जिम्मेवारियों में, और हम वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। तो अपने विजन में, बोर्ड में ये वाला पॉइंट जरूर डालिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको तथास्तु करने के लिए बैठा है। आप अफर्मेशन डालेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ अपने लिए टाइम जरूर निकाल पाएंगे। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज इट, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड जो भी जिनके साथ भी आप प्लान करना चाहते हैं तो वो इसमें जरूर डालिएगा। अब आते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पे हमारा जो पार्ट आता है वो आता है हमारा नॉलेज, हमारा विजडम। मैं अगर आज ये बात बोलूं कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता। हमें अपने आप को कहीं ना कहीं अपडेट करना ही पड़ता है टाइम के साथ साथ। तो ऐसा आप लोगों की लाइफ में भी जरूर होगा, जो आप अपने नॉलेज के अंदर एड ऑन करना चाहते होंगे, आप अपनी चीजों को इंक्रीज करना चाहते होंगे। तो फिफ्थ एक पॉइंट जरूर रखिएगा उसके अंदर कि आपको अपनी नॉलेज से रिलेटेड, अपने विजडम से रिलेटेड क्या क्या चीजें एड ऑन करनी है 2024 में। तो 24 के अंदर आपको क्या क्या चीजों की नॉलेज चाहिए, आप किन किन चीजों पे, किन किन एरियाज पे काम करना चाहते हैं, वो आप वहां पे मेंशन जरूर कीजिएगा। सिक्स्थ जो पॉइंट आता है वो आता है नेम एंड फेम का। हर किसी को अपने लिए रिकमेंडेशन चाहिए होता है, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होता है, नेम भी चाहिए और फेम भी चाहिए। अब कुछ लोगों का ये होता है कि उन्हें दुनिया से कोई चीजें नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने आप से या अपनी फैमिली से जो जो चीजें चाहिए होती हैं, होता है ना एक रिकॉग्नाइजेशन कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मेरा नाम हो, मेरा फेम हो। हम खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, हम एज ए मदर भी बहुत अच्छी चीजें प्ले करते हैं। तो वो चीजों के ऊपर आपको क्या क्या चीजों पे, किन किन एरियाज पे काम करना है, वो सारी चीजें आप अपने इस पॉइंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आप पिक्चर्स वहां पे लगा सकते हैं और वहां पे अपनी अफर्मेशंस डाल सकते हैं। सेवेंथ नंबर, हमारी फैमिली, हमारी मतलब फैमिली लव लाइफ, सबकी लव लाइफ होती है, सबकी फैमिली लाइफ होती है, सबके रिलेशंस होते हैं। वहां पे हमें किन किन चीजों को एड ऑन करना है, किन किन चीजों पे काम करना है, आप वहां पे वो पॉइंट्स को, अपनी फैमिली से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, आप वहां पे वो चीजों को मेंशन कर सकते हैं। एट्थ पॉइंट जो होता है वो, दैट इज द पार्ट ऑफ योर फाइनेंस
फाइनेंस अबंडेंस एंड वेल्थ। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये सारे पॉइंट में मैम सबसे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए था कि हमें पहले पैसा चाहिए उसके बाद घूमने जाएंगे, हमें पहले पैसा चाहिए उसके बाद हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे टाइम, पहले पैसा होगा तभी तो मैम नॉलेज भी बढ़ाएंगे। तो दैट इज अप टू यू, आपको ये वाला पॉइंट पहले डालना है या बाद में डालना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन डेफिनेटली हम लोगों को अपनी अबंडेंस, अपना फाइनेंस, अपनी मतलब प्रोस्पेरिटी, इन चीजों पे काम करने की जरूरत होती है। तो अगर मैं इस साल में मेरा जो अर्निंग था वो 2 लाख 5 लाख था, तो नेक्स्ट ईयर मुझे उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें करनी है वो पॉइंट आप वहां पे मेंशन करेंगे, जो आपका फाइनेंस एंड अबंडेंस। अब किसी की वेल्थ की बात करें तो वेल्थ का मतलब किसी की सेविंग से है, तो मुझे कितनी सेविंग करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे कितना अर्न करना है, वो सारे पार्ट आप वहां पे कवर करेंगे। 9th, सारी चीजें हैं, पैसा भी है, फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ नहीं है ना उसे एंजॉय करने के लिए, तो सब चीजें वेस्ट है। और क्या होता है, हम भाग दौड़ में हर चीज के अंदर ना, सबसे पहले एज ए लेडी आप अपनी हेल्थ को सफर कराते हो, आप कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, और आप इस बात से एग्री करेंगे। आपको ये पता है हस्बैंड की चाय, हस्बैंड के लिए दूध, बच्चों के लिए ये चाहिए, उनको ये देना है, बादाम की गिरी देनी है, सब करोगे, लेकिन आप अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब मस्ट बी मार्क्ड, इसे आप जरूर लिखेंगे, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। खुद को प्यार सबसे पहले आपको खुद करना है, डेफिनेटली बाकी सब आपसे प्यार करते ही हैं। तो वहां पे आप अपनी हेल्थ के बारे में जरूर लिखेंगे। अब हेल्थ के लिए आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि मैं एक मतलब, अब कुछ लोगों को योगा करना पसंद है, किसी कुछ कुछ को किसी का ये ड्रीम होता है मुझे डांस सीखना है, किसी का ये ड्रीम होता है मुझे मतलब मेडिटेशन से कनेक्ट होना है, किसी को योगा से कनेक्ट होना है। तो इन सब चीजों पे ये आपका पोर्टफोलियो है, आपको सेट करना है कि मुझे अपने लिए मेडिटेशन चुननी है, या मुझे रेकी सीखनी है, या मुझे अपने आप को योगा में डालना है, वो आप लोग देखेंगे कि आपको वहां पे क्या काम करना है, पर हेल्थ उसमें जरूर मेंशन करनी है आपको। 10th, मतलब 10th पॉइंट पे आपको बड़ा बड़ा अपना नाम अपने विजन बोर्ड पे जरूर लिखना है, और नीचे सिग्नेचर के अंदर आपको डेट भी मेंशन करनी है जिस डेट पे आप अपना वो विजन बोर्ड बना रहे हैं। और नाम होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम के आपका विजन बोर्ड और आपके सिग्नेचर के बिना अधूरा है, तो वहां पे आप उसे जरूर मेंशन करेंगे। 11th, स्टार्ट हमने किससे किया था, कोई बताएगा मुझे, हमने स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिया था? ग्रेटिट्यूड का, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड तो का। सब कुछ लिखने के बाद हमने स्टार्टिंग की ग्रेटिट्यूड से, और लास्ट में भी आप थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी परमात्मा पे आपका बिलीविंग सिस्टम है, क्योंकि उन सब चीजों को पूरा कराने के लिए अगर कोई भी आपको हेल्प आउट करेगा तो वो है ऊपर वाला परमात्मा। तो आप एंड भी जब करेंगे तो थैंक यू से ही करेंगे। तो लास्ट में सिग्नेचर डेट एंड लास्ट थैंक यू सो मच, वो आप जरूर लिखेंगे, ग्रेटिट्यूड जरूर देंगे। अमेजिंग मैम, अमेजिंग, मजा आ गया। ये सब कुछ मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी इसको स्किप करने वाला है। अपना अपना सभी विजन सब बोर्ड सब बनाएंगे। बनाएंगे। और अब बात आती है कि हमने विजन बोर्ड तो बना दिया, हमने सब कुछ उस पर लिख भी दिया। पहली चीज, ये विजन बोर्ड सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस विजन बोर्ड पे काम आप ही को करना है, इसको अचीवमेंट तक लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। लिखने से हम कोई चीज अचीव नहीं करते, हमें सिर्फ यूनिवर्स सपोर्ट करता है, उन चीजों तक पहुंचने में हेल्प आउट करता है, लेकिन उन चीजों को पाने की जो कहते हैं ना, मतलब वो होती है जेलिंग होती है अपने अंदर, एक वो होती है, वो स्प्रिट आप ही की है। तो इन सब चीजों के लिए सबसे पहली बात, आपने इसको किस डायरेक्शन में लगाना है, बात ये आती है, आपने बना लिया, आप उसे लगाओगे कहाँ पे? तो इसके लिए आपकी दो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है आप नॉर्थ ईस्ट में आप इसको लगा सकते हैं, और आप इसको जो लगा सकते हैं वो नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। दोनों डायरेक्शन के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट हमारे सपोर्ट की डायरेक्शन होती है, तो जो जो चीजें आपने इसमें लिखी हैं, यूनिवर्स उस चीजों को आप तक कैसे पहुंचाएगा
वहां तक आप कैसे पहुंचोगे, ये यूनिवर्स की आप काम करने वाले हो, कर्म आप करोगे, लेकिन वो रास्ता दिखाने वाला जो है वो परमात्मा है, जिसको भी आप मानते हैं, तो वहां तक पहुंचाने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं और आप इसे नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। आप लगा तो दिया, अब क्या करना है आपको, डेली उस चीज को एनर्जीज देनी है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, हम कुछ भी कर लें, हमारी जन्म पत्री में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, क्या होने वाला है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन हमारे सराउंडिंग जो काम करती है वो हमारी खुद की एनर्जीज काम करती है। तो उन एनर्जीज को डेली डेली आपको चार्जिंग देनी है। मैं जब क्रिस्टल की बात करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, मैं बोलती हूँ ना चार्ज करना, तो हमें अपने आप को भी एनर्जीज देनी होती है, हमें अपने आप को भी चार्ज करना होता है। तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने विजन बोर्ड के पास जाओगे, एक प्यारी सी स्माइल लेके, और वहां पे अपने विजन को एक बार देखोगे प्यार से, और अपने आप को एप्रिशिएट करोगे, यस ये मेरा विजन बोर्ड है, ये मेरा खुद का विजन बोर्ड है, और मुझे, मैंने ये सारी चीजें अचीव कर ली है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर आप उसे देखेंगे, पढ़ेंगे, स्माइल के साथ उसे एनर्जीज देंगे, और उसको देखने के बाद आप अपने आप को भी एनर्जीज देंगे। पूरा दिन निकालने के बाद जब रात को सोने के से पहले आप डेफिनेटली अपने विजन बोर्ड के पास फिर से जाएंगे और थैंक यू बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे और अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, यस आप ये कर रहे हैं और आप ये सारी चीजें अचीव कर रहे हैं, थैंक यू बोलेंगे स्माइल के साथ, फिर जाके सोएंगे। क्या किया आपने, अपने अपनी अफर्मेशंस को दोबारा से डेली बोलना शुरू किया, डेली चार्ज करना शुरू किया, डेली एनर्जीज देनी शुरू करी। आप करके देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा साइन होता है कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, आपने डेली अपने आप को रिकॉल करना है, होगा वो रिकॉल, होगा, डेफिनेटली होगा, करके देखिएगा। डायरेक्शन, वास्तु, आपकी आपकी अफर्मेशन, आपकी पॉजिटिवनेस, आपको अपने आप से प्यार करना, आपकी हर एक चीज 100% अचीवमेंट नहीं होगी, लेकिन आप बहुत सारी चीजें अचीव करेंगे, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है, इट्स माय कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू कि आप इसे करिए, आप अपने लिए कीजिए, और उसके बाद डेफिनेटली अगले साल आप ये मेरे कहने पे नहीं, खुद ही बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि अचीवमेंट तो सबको पसंद है ना। मेरे फेस पे आज जो स्माइल दिखती है ना, वो मेरी खुद की अचीवमेंट है, मैंने काम किया उन सब चीजों पर, और वो स्माइल कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने काम किया। आप भी करेंगे तो आपकी भी ये स्माइल हमेशा रहेगी, ट्राई करके देखिए। और हमने यहाँ पे वास्तु भी ऐड किया, हमने अफर्मेशन भी ऐड किया, हमने एनर्जीज भी ऐड करी, तो ये सब चीजें अपने आप में एक मिरेकल है। अभी किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये कैसे बुक में बनाना है कि ऐसे कार्डबोर्ड में बनाएंगे? आप कार्डबोर्ड में बनाइए, वही तो डायरी को, डायरी वो हमारी, मतलब डायरी के अंदर हम अफर्मेशंस लिखते हैं, वो हमारी ड्रीम डायरीज होती हैं। ये तो आपको पेस्ट करना है, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, आपको मतलब किसी भी जगह, जब मैंने डायरेक्शन बताई आप वहां पे लगाइए उसे अपने सामने। मैम अगर फोटो नहीं हो तो फोटो के बिना हम लिख के कर सकते क्या? फोटो होती हो तो ज्यादा अच्छा, करने को फोटो में जैसे अभी बच्चों के बारे में, तो बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, अभी सोचा कि चलो मेरा बेटा आज आगे ये करेगा, तो वो फोटो आपने, आपने आप किसी जिस जिस फील्ड में आप उसे भेजना चाहते हो उस फील्ड की कोई ना कोई तो आप किसी मैगजीन में से, आप कभी गूगल में से, अच्छा। आप कहीं से भी फोटो उसको निकालो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है, तो आप सोचते हो वो करो ना, आप उसके अंदर फोटोज मिलेंगी, फोटोज के साथ उसको क्रिएट करो। नहीं आप, मुझे लगा कि ओरिजिनल फोटो होनी चाहिए। नहीं नहीं आप इसको गूगल से सर्च कर सकते हो, आप अपने लव लाइफ के बारे में अगर कुछ करना चाहते हो तो आपके कुछ मेमोरेबल पल होंगे जो आप चाहते हो कि दोबारा आए, हम इस साल ये चीजें इंजॉय करें, डेफिनेटली आप उनकी पिक्चर्स पेस्ट करो। आप अपने बच्चों के लिए अगर कोई विजन बोर्ड बना रहे हो तो आप उनसे रिलेटेड चीजें उसमें पेस्ट करो, बच्चों के लिए भी तो विजन बोर्ड बनता है, अपने लिए भी बनता है, सबके लिए बनता है। वो आप देखो, क्रिएटिविटी आपकी खुद की है, आप कितने अच्छे से उसे डेकोरेट करते हो, दैट इज योर स्ट्रेंथ। मैं आपको स्टेप्स बता सकती हूँ, क्यों करना है मैं ये बता सकती हूँ, कैसे करना है मैं आपको ये बता सकती हूँ, कहाँ उसे लगाना है मैं ये बता सकती हूँ, करना तो आपको आपकी खुद की क्रिएटिव। अब
आप यूनिवर्स से बोल के देखो कि मुझे ये बनाना है, प्लीज हेल्प मी, वो आपको खुद ही इतने सारे आइडियाज दे देंगे आप बिलीव भी नहीं कर सकते, अपने आप बना लोगे आप। भाग्यश्री मैम, ओरिजिनल कैसे लगाओगे? अभी तो ये विजन है, ये आपको पूरा करना है, इस साल में अचीव करना है। ओरिजिनलिटी तो आ जाएगी उस दिन, आप असली पिक्चर हमें भी शेयर करना बच्चों की, ठीक ओके मैम, है? थैंक यू वेरी मच, जरूर। अभी तो इसको विजन को कंप्लीट करना है। जी हाँ मैं वही सोच रही थी, तो मैंने बोला एक बार पूछ लेती थी, अभी समझ बिल्कुल गया बिल्कुल मैम। मैम, हुआ क्लियर? अभी थैंक यू किसी को मैम। कोई डाउट यहां तक? सोच के देखो, आपके सामने आपकी सारी चीजें लगी हुई हैं, एक स्माइल अपने आप आएगी, ट्रस्ट मी, करके देखिए। देखो कुछ लोग सोचते बहुत कुछ है लेकिन पूरा नहीं कर पाते, तो ये पूरा करने की अपनी जर्नी के अंदर एक बहुत अच्छा स्टेप है, करिएगा जरूर। हाँ जी मैम, बताइए। सुगंधा मैम का क्वेश्चन है, सुगंधा मैम का। जी बोलिए मैम। अगर हमने कुछ बनाया है तो आपको, आपसे शेयर कर सकती हूँ कि कैसे बनाया है डेफिनेटली करके? बिल्कुल, मैं जो एडवाइस दे सकती हूँ मैं डेफिनेटली। देखो थैंक ये यू। आज का सेशन लेने का पर्पस ये है कि आप करें, पर्पस तो यही है ना कि आप करें, आप भी अपने अपने स्टेप आगे बढ़े, तो बिल्कुल मैं डेफिनेटली हेल्प करूँ, डोंट वरी अबाउट इट। नेहा, यस नेहा, यस मैम, वो आप दूसरा और तीसरा फिर से बता सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क इश्यू की वजह से चला गया। ठीक हाँ जी मैं एक बार शॉर्ट उसके अंदर आपको सारे पॉइंट्स एक बार वो कर देती हूँ, आप एक बार चेक कर लें, जिन्होंने लिखा है वो चेक कर लें और जिन्होंने नहीं लिखा वो नोट डाउन कर लें मैम, सबसे। एक बार थैंक यू नेहा मैम सो का मच भी मैम। क्वेश्चन लिख लो, बाद में रिपीट करना। नेहा मैम का हैंड रेज है। बोलिए नेहा। मैम, जैसे आपने बताया है ना कि अलग अलग एरियाज की है विजन बोर्ड, तो मैम हम एरिया वाइज विजन बोर्ड भी बना सकते हैं सेपरेट सेपरेट करके, या एक ही बड़ा विजन बोर्ड में ही अपने दैट इज योर सब? क्रिएटिविटी। अगर आपको लगता है नॉलेज के अंदर आपको मतलब सारी चीजें लिखनी है, फिर आप उसके लिए अलग अलग विजन बोर्ड अलग अलग बनाएंगे, तो वो आपकी आपकी विषय आप बना सकते हैं। आपको एक ही उसके अंदर सारे पॉइंट्स को कवर करना है, आप उसके अंदर बना सकते हैं। आई या थिंक फिर सबको ना ग्रुप में शेयर करना चाहिए, इससे एक दूसरे को आइडियाज मिलेंगे, सब मोटिवेट यस, होते हैं, आप चीजें इस एक ग्रुप दूसरे में से। ना जितनी, देखिए हमारा न्यू ईयर अभी स्टार्ट होने में दिन है और अभी न्यू मून भी आने वाला है, जैसे मैंने बोला आप इसे न्यू मून पे बनाएं, तो आप अभी बहुत सारी पिक्चर्स, अभी आपको पहले एक रफ पेपर वर्क करना पड़ेगा, आपको पहले अपनी सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, उसमें से फिल्टर आउट करना पड़ेगा 2023 के अंदर आपका क्या क्या चीजें हुई उसको आपको देखना पड़ेगा, लर्निंग क्या करी आपको वो देखनी पड़ेगी। तो आप ये सारी चीजें जब शेयर करोगे ना ग्रुप में, डेफिनेटली मैं और रूबी मैम आपको पूरी हेल्प करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि आप ये करें, ताकि नेक्स्ट सेशन के अंदर आप में से कोई यहाँ पे बैठा हो और वो ये बताए कि यस मैंने ये किया, और मैम मतलब और लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बने कि हमने ये किया तो हमने ये चीजें अचीव करी। मैं ये नहीं कहती सारी चीजें अचीव होंगी, कुछ रह भी जाएंगी, पर ये देखिए जो हमारा अचीव होगा वो तो हमारा सपना था ना, हम अपने सपनों के लिए तो जीते हैं, तो वो कितनी बड़ी अचीवमेंट हो। तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए, एक बार मैं रिकॉल कर रही हूँ सारी चीजें, आप पॉइंट्स चेक कर लीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, आपको जो जो 2023 में मिला सबसे पहले आप उन चीजों का शुक्राना करेंगे जो आपको 2023 में मिली। सेकंड आपका बिजनेस, आपका करियर, उसके लिए आप लिखेंगे, दैट इज द सेकंड पार्ट। थर्ड आप चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बारे में, किड्स के बारे में, एंड क्रिएटिविटी, आपको क्या क्रिएटिविटी चाहिए वो आप एरिया कवर करेंगे। फोर्थ इज ट्रेवल, अगर आप कहीं पर भी ट्रेवलिंग का प्लान करते हैं या आपकी इच्छा है कि मुझे यहाँ जाना है तो वो आप वहां पे जरूर मेंशन करेंगे। फिफ्थ इज योर नॉलेज एंड विजडम, आप अपनी नॉलेज को कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में बढ़ाना चाहते हो वो आप वहां पे मेंशन करेंगे। सिक्स फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन, कि आपको किन मतलब अपने लिए फेम चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, आप वहां पे वो मेंशन करेंगे। सेवन आपकी फैमिली, आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आप वहां पे वो मेंशन करेंगे। एट आपका फाइनेंस, आपकी अबंडेंस, आपकी वेल्थ, इन चीजों को आप मेंशन करेंगे। ये जो पॉइंट है वेल्थ और उसका, इसको आप आगे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एट्थ नंबर हमारा फाइनेंस है। मतलब हर चीज जो मैं पॉइंट वाइज बता रही हूँ हर किसी चीज का रीजन है, एट नंबर हमारा फाइनेंस को रिकॉग्नाइज करता है, तो मैंने इसे एट नंबर पे डाला है क्योंकि हमारे जो एट नंबर है वो हमारा फाइनेंस से कनेक्टेड होता है। तो आप यहाँ पे अपना फाइनेंस, बिजनेस, अबंडेंस, वेल्थ, आप ये सब चीजें डाल सकते हैं। नाइन्थ नंबर पे आप अपनी अपनी हेल्थ डालेंगे।
विलनेस डालेंगे, उसके लिए आपको योगा करना है, डांस करना है, मेडिटेशन करनी है, रेकी करनी है, जो भी वट एवर जो आप चाहते हो वो चूज कर सकते हैं। 10th नंबर पे आपको बड़ा बड़ा अपना नाम लिखना है और डेट भी लिखनी है जिस दिन आप उसे बनाएंगे। अब आते हैं 11th नंबर पे, अगेन ग्रैटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स और जिसको भी आप मानते हैं उनका आप शुक्राना करेंगे कि उन्होंने आपको ये बनाने के लिए आपको चूज किया, आप उसके लिए उनको ऑलवेज बी ग्रैटिट्यूड। तो ये हमारे 9 पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करते हैं अपने विजन बोर्ड। अब इसके लिए आपको अफर्मेशंस हम डेली करते हैं, आप उस ग्रुप में से अफर्मेशंस उठा सकते हैं, आपको बहुत सारी अफर्मेशन ग्रुप में मिल जाएंगी जहां हम डेली अफर्मेशन डालते हैं। मैनिफेस्टेशन की भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। और डेली हम करते ही हैं इन सब चीजों की, आप वहां से कोटेशंस उठाएं, कुछ भी उठाएं, आप वो सब कर सकते हैं। हाँ जी सर, सविंदर बोलिए। एंड 3rd नंबर पर आपने जैसे बोला कि आप अपने चिल्ड्रन के बारे में लिख सकते हैं कुछ, बट हम अनमेरिड हैं तो हम मैरिज के पे अपनी क्रिएटिविटी डाल दीजिए, कुछ अपने आप में क्रिएटिविटी, आप अपने लिए भी तो कुछ क्रिएटिव करना चाहेंगे ना आप। अगर आप बच्चे को वहां पे नहीं, आप अनमेरिड हैं तो आप अपनी कोई क्रिएटिविटी जो उनको वहां पे डाल दीजिए। इस समय बच्चा आप खुद ही एक बच्चा हो, आप खुद ही एक किड हो, तो अपने लिए लिखो। तो मैम जैसे मैं चाहती हूँ कि मैरिज और मेरी हेल्थ इम्प्रूव, मैं ऐड कर सकती हूँ? आप 6th नंबर पे ऐड कीजिए ना अपनी मैरिज और अपनी लव लाइफ को, ठीक है ना, वहां पे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना, लव की, रिलेशनशिप की, फैमिली की, तो आप वहां पे उसे डालिए उस पॉइंट को वहां पे, ठीक है। नेहा आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज? का पहले से ही था हैंड रेज, हो गया इनका। आप तक किसी को कुछ पूछना है? मैम आप ग्रुप में मेंशन कर दो कि सीरियल नंबर वाइज के कौन कौन सी कैटेगरी कैसे आएगी। कर दूं। हाँ जी, थैंक यू मैम। अभी ये बताएं आप में से कौन कौन ये विजन बोर्ड बनाने वाला है? हैंड रेज करो। पहले नेहा को क्वेश्चन ले लेते हैं। नेहा आपका कोई क्वेश्चन है? आई थिंक सो मैम, मैं वो पहले से अंशिका का क्वेश्चन है, अंशिका का। हाँ जी हाँ जी, अब बताएं। मैम मुझे ये जानना था कि जो पिक्चर्स लगानी है, पिक्चर्स के नीचे हम ये मतलब जैसे सपोज मुझे घर का है, घर की पिक्चर लगाई, देन उसके नीचे लिखा अफर्मेशन कि मुझे ऐसा घर मिल जाए, देन अब मैंने अपने बच्चों के लिए जाए नहीं, जाए नहीं, मिल गया है, मिल गया है, राइट। जाए तो फिर यूनिवर्स, तो आपने नहीं बताया ना आपको आने वाले 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए, आपको वो घर मिल गया है। ओके okay. और जैसे मेरा बच्चा अगर डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर बन गया है और एक डॉक्टर की पिक्चर लगा दी। यस यस, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आप ड्रीम्स वहाँ पे लिख रहे हैं काम आपको ही करना है, अचीवेबल होने चाहिए वो, अचीवेबल मतलब उसके लिए काम आपको ही करना है, यूनिवर्स काम आप ही से कराएगा उसके लिए, तो उसके लिए भी रेडी रहना है, लिखना पर्पस नहीं है उन चीजों को भी कॉल करना। देखो समझो, जैसे घर है, इन्होंने बोला घर मिल जाए, मिल जाए नहीं लिख के हमने लिखवाया घर मिल गया है, बट फाइनेंस आपको आपका पता है, तो यहाँ पे आप इसके लिए एक विश ये डाल सकते हैं कि मेरा लोन अप्रूव हो गया है, घर के लिए लोन अप्रूव हो गया है। मोस्टली पीपल ऐसे है कि वो जब घर, आप एक ऐसी क्लास रख दो ना, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत मिस्टेक करेंगे कि हम लोग क्लैरिटी वो सेंटेंस की जो है ना वो हम नहीं, अफर्मेशन ना आप खुद बनाएंगे, ये धीरे धीरे बनाना आप सीख जाओगे जैसे जैसे सेशन अटेंड करोगे, इसकी कोई क्लास नहीं होती, ये हमारे सिक्स सेंस से आती है, सिर्फ वे पता है हमें कि हमें कैसे करना है। ओनली प्रेजेंट टेंस और पॉजिटिव अफर्मेशन, हमें फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना। टेंसेस हमने बचपन में सब में सबने पढ़े हैं। छोटे छोटे स्टेप्स करने शुरू कीजिए, छोटे छोटे चीजें लिखनी शुरू कीजिए। आपको अफर्मेशन बड़ी बड़ी भी नहीं लिखनी, नहीं समझ में आता छोटा छोटा लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो आपको लैंग्वेज सुटेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें लिखो। स्मॉल स्मॉल अफर्मेशन बनानी शुरू करो अपने लिए। ये विजन बोर्ड आपका खुद का है, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकता, ये आपके खुद की, खुद के ड्रीम्स हैं, खुद के गोल्स हैं, उसे कैसे भी क्रिएट करो। राइट मैम, ये बताएं कि आशा जी आपका कोई क्वेश्चन है, पूछिए आशा जी। जी मैम, एक्चुअली अभी ये विजन बोर्ड हम लोग घर पे रखेंगे, मतलब ये सबको विजिबल होएगा ना मैम? आप हाइड करके रख सकते हो, डेली आप देखो और रात को भी देख के सो जाओ, अगर आपको छुपा के ना।
चलेगा चलेगा, क्योंकि अभी घर पे कोई भी आएंगे तो लिविंग हॉल राइट पे ही राइट रह मैम, सकते हैं। आप हाइड करके भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैम। लेकिन उसे जब रखें तो जो डायरेक्शन बताइए वहीं रखिएगा, हाँ डायरेक्शन क्योंकि में नॉर्थ ईस्ट में ना। नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट किसी में भी रख। ओके, थैंक यू। चलिए आप सबके क्वेश्चन हो चुके हैं, अब ये बताएं कि कौन कौन ये विजन बोर्ड बनाने वाला, मुझे किन किन की हेल्प करनी। मैम मैं ट्राई करूंगी, मैं बनाऊं। आप करोगे जरूर, डेफिनेटली भाग्यश्री आप करोगे। नीचे आई एम मैसेज वेरी पे वेरी अपना अपना नाम लिखिए, जो जो ये विजन, आप भी से देखिए मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गई, हम अभी से अफर्मेशन डालनी शुरू कर रहे हैं, तो आप अपने अपने मैसेज में बनाइए। समिंदर गुड, स्नेहा आपका क्वेश्चन है बेटा पूछिए। रूबी जी लिखना शुरू कर दीजिए, अब इनका होमवर्क चेक होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हाँ जी बताइए स्नेहा जी, क्या क्वेश्चन है आपका। मैम, मैं बनाऊंगी इसके लिए हैंड रेस किया। ओके ऑल द ओके बेस्ट। रूबी मैम। हाँ जी, हाँ वो मेरा 14 डेज का, आज मैं रोज रात में ही लिख रही थी, तो आज कोई लिखने इशू के। नहीं है मैम, इट्स अप टू यू, अगर आपने आज लिख लिया है तो उसके बाद उसको आज भी आप बर्न कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने 15 डे तक ही कंप्लीट करना है तो कल भी कर सकते हो, क्योंकि जो अच्छा कॉस्मिक हाँ वाइब्स है फुल एनर्जीज मून की 3 डेज तक रहने वाली है, जिसको आज ओके कंफर्टेबल है वो आज इसको कर सकता है, नहीं तो आप कल कर सकते। मैम, फिर वो बर्न करने के बाद कोई प्लांट में डाल दें? प्लांट में भी डाल सकते हो, अगर बालकनी में या टेरेस पे हो आप तो उसको आप ब्लो कर सकते हो, फूंक मार के उड़ा दो ओके स्काई की तरफ देखते हुए, थैंक यू यूनिवर्स। ओके ओके, थैंक यू, मैम थैंक यू मैम। शशिका रूबी मैम, मैम बर्न क्या करने करना है, मैम, ये मैंने रात में 12-12 पोर्टल लोग स्टार्ट किया था ना, उनकी विश थी। नहीं करते मैम, हैं। वो जो जो बेलिफ पे हमने विश लिखी थी वो वाला है ना। जी, बेलिफ पे भी लिखी थी और डेली 12 डेज तक 12 टाइम अपनी विश लिखी थी। लिखी थी मैम, मैंने भी लिखी थी, उसका मैंने भी पूछना था क्या करना है अब उसका। हाँ जी, अगर तो देखो किसी ने अपनी डायरी में लिखा है तो उसको आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हो, ओनली बेलीफ को बर्न कर सकते हो। अगर किसी ने पेपर्स में लिखी है, पेपर संभालने मुश्किल है, तो उस सबको भी आप बर्न करके यूनिवर्स को दे सकते हो। मैम बर्न कब करना है, डे में कि नाइट में? आज आज रात को या कल रात को अच्छा मैम, ओके ठीक है मैम। वो मैम जो वन बाय वन हाँ प्लीज हैंड रेस करके, वन बाय वन। मैम, एक आपने वो रिटर्न भेजा था ना, वो जी, उसका क्या करना है, जो उसको भी डे सेम बाय डे सेम पढ़ लीजिए। सेम आज आपका 14 डे होगा उसका भी। हाँ जी मैम, हाँ हाँ, तो जी आप यही बताया कि आप उसको आज भी बर्न कर सकते हो, कल भी कर सकते हो। ठीक है मैम, ठीक है ओके, थैंक यू मैम। जो लोग आज कर लेंगे या नहीं भी करेंगे, आज एक विश सेम इस तरह से हम और करेंगे, बिकॉज टुडे इज फुल मून डे, तो फुल मून डे पे आपको क्या करना है, सेम चौपुरे का सिंबल बनाना है, कौन सा मैम? जो आपको मैंने वो पिक्चर सेंड की थी ना चौकुरे का सिंबल, 7 को 3 टाइम सर्कल करके बेलीफ पर बनाना है। ग्रुप मैम एक बार फिर में से है, बता दो। ग्रुप में देखिए है ऑलरेडी मैम पिक्चर, अभी मैं कैमरा ऑन भी नहीं कर पाऊंगी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ऐसे करके 7 बनाना होता है, ऐसे नीचे लेके जाएंगे, उसके बाद 3 बार सर्कल करना होता है, ठीक है। अब ओके तो उसमें ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में है ऑलरेडी पिक्चर, अगर किसी के पास नहीं होगी तो दोबारा शेयर कर देंगे, विल शेयर अगेन, ठीक है। तो आपको बेलीफ पे सबसे पहले वो बनाना है सिंबल, उसके बाद सेम आज विश लिखनी है। अभी आपका खुद का ये विजन है कि आपको 3 डेज करना है, 5 डेज करना है, 7 डेज, 8 डेज, तो हमें जितने दिन भी करना है ये आप डिसाइड कर लो माइंड में। अगर कोई 3 डेज करना चाहता है या 4 डेज की, जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है, मुझे तो पार्टी के लिए जाना है, शायद मैं भूल जाऊं, मुझे टाइम नहीं मिले, तो आप 3 x 3 या 4 x 4, मतलब 3 डेज के लिए कर रहे हो तो विश को 3 टाइम लिखोगे, 4 डेज के लिए कर रहे हो तो विश को 4 टाइम लिखोगे, ठीक है। जो पिछली वाली विश थी उसको तो हमने आज बर्न कर दिया, कर देंगे हैंड टू हैंड, आज हम नया बनाएंगे, उसी डायरी में लिखेंगे। वैसे तो आप लोग एक न्यू न्यू नोटबुक या डायरी ऐसी बना लीजिए जिसमें आप ये चीजें लिखते जाएं, और अपना सिर्फ जो आपका बेलीफ होता है ना उसको हमें 3 या 4 डेज तक एज अ बुक मार्क यूज करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा बेलीफ के ऊपर, आपको जो मनी पाउडर मैंने बताया था, जिसके पास मनी पाउडर कंप्लीट बना हुआ नहीं है, आप उसके ऊपर सिर्फ सिनेमन पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हो, जो आपकी विश को फुलफिल करने में हेल्प करता है।
तो वहां पे आप क्या करोगे, इसको लिखने के बाद विश आपने जो पेपर पे लिखनी है, डायरी में लिखनी है, वो आपने डेज खुद डिसाइड करने हैं, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, और आपको बे लीफ पे ओनली 1 टाइम लिखनी है, क्लियर। और लास्ट में सेम वैसे ही लिखा जाता है, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, जिस भी गॉड गुरु डिवाइन को आप मानते हो, गाइडेंस जो भी आप लेते हो, उनको शुक्राना जरूर करना है, ठीक है। इसको 3 या 4 दिन आप बुक मार्क में रखिए, उसके बाद बे लीफ को आपने बर्न कर देना है, और जो आपकी ड्रीम जो भी है, आपको विश पूरी करानी है इन फ्यूचर, वो आप अपनी डायरी को अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हो, ठीक है, क्लियर। अभी एक चीज और हाँ बता रही हूँ आपको, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, 8 नंबर है ये ईयर जो आ रहा है, 8 नंबर का साल है। इस साल में बहुत सारे लोग फाइनेंस के लिए, जो लोग परेशान हो रहे थे, उनकी ये चीजें बहुत अच्छे से फुलफिल होने वाली हैं। ये साल सबके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, बट अगर किसी को अपने इस साल को और बेहतरीन बनाना है, विजन बोर्ड तो हमने बना लिया, हमने मैनिफेस्टेशन भी कर ली, इसके साथ जैसे कहते हैं ना कि हमें और अपनी लाइफ के अंदर एड ऑन करना है, तो आप यहाँ पे जो शनि का स्टोन होता है, सैटर्न का स्टोन, जेम स्टोन में देखें, या उसमें लैपिस लजूली होता है, क्रिस्टल्स में हम जाते हैं तो एमेथिस्ट पे जाते हैं, तो हमें कभी भी जेम स्टोन तो विदाउट कुंडली या विदाउट होरोस्कोप नहीं पहनना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको यही बता दूं कि कभी भी किसी के कहने पे ऐसे कोई स्टोन वेयर नहीं करना, ठीक है। लेकिन क्रिस्टल्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत माइल्ड होती है, इसके कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ के अंदर एमेथिस्ट को ऐड करना है, वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, एज अ ब्रेसलेट उसको वेयर कर सकते हो, आप उसको रॉ फॉर्म में ले सकते हो, उसको पिरामिड के उसमें ले सकते हो, एटलीस्ट बच्चों की स्टडी फोकस कंसंट्रेशन के लिए भी ये स्टोन बहुत हेल्प कर, सॉरी क्रिस्टल बहुत हेल्प करता है। तो आप लोगों में से जिनको भी लगे कि इस साल के अंदर अपनी ये अबंडेंस की प्रोस्पेरिटी को, स्पीड को बढ़ाना है, क्योंकि शनि का साल है, हमें हर तरह से सपोर्ट करता है, तो आप ये, मतलब मेरे कहने से नहीं, आप इसको खुद यूज भी करेंगे ना, तो नेक्स्ट ईयर आप खुद बताने वाले हैं, आपको विद इन 2-3 मंथ्स में ही अंदाजा हो जाएगा। देखिए ये पिरामिड्स हैं, आप इस, मैम आप ना म्यूट हो, दीप्ति मैम आप ये देखेंगे तो जी, मेरे हाथ में एमेथिस्ट है, और मैं जब भी अपने कोई भी वर्क स्टेशन पे बैठती हूँ तो मेरे पास ये हमेशा रहता है, ये पिरामिड फॉर्म में है, और एमेथिस्ट का ही ईयर आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर, तो ये आप अपने वर्क स्टेशन पे, अपने बच्चों के वर्क स्टेशन पे रख सकते हैं। ब्रेसलेट बच्चे नहीं वेयर कर सकते, पर उनका राइट। कहीं ना कहीं टेबल तो होता ही है, आप वहां पे भी इसे रख सकते हैं। तो जब मैं हम अभी प्रोफेशनल आपको कुछ भी शो ना हम लोग करूंगी, कर सकते, कैमरा ऑफ, और बट मेरी सारी चीजें आज फुल मून में एनर्जी के लिए बाहर है, चार्जिंग के लिए रखी हुई है। इवन आज कोई ब्रेसलेट नहीं वेयर किया, किसी के पास किसी भी फॉर्म में कोई यंत्रा है, क्रिस्टल है। अच्छा मुझे ये बताओ, किस किस ने वो यंत्रा बनाया था? मैंने वो लास्ट क्लास में एक यंत्रा बताया था फोटोग्राफ के साथ, जिसको मैम हमें मैं शेयर बनाने वाले, हाँ मैम ड्रीम मैं चैनल पे बनाने हमारे, वाले, देखिए जिसने बनाया ठीक है, नहीं बनाया या बनाया, जिनके पास भी है आज उसको भी आप फुल मून में रखिए और उसको चार्ज कीजिए, चाहे आप उसको 1 घंटे के लिए रखो, वाटर चार्ज करके रखने, आप सब लोग अपने, अभी यहाँ मैम क्लास खत्म होने के बाद एक एक मैम ग्लास वो चांदी वॉल का, में या फिक्स कर दिया ना मैम। वॉल में फिक्स कर दिया आपने, हाँ ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के और भी होंगे यंत्रास, मैंने पहले भी काफी सिखाए हैं, तो वो यंत्रास को आपके पास जो भी किसी भी उसमें है, तो उसको मैम आप मूनलाइट में रख सकते हो। एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, जी जी सिनेमन बोलिए। स्टिक के साथ हम लोग अपना पैसा और एक येलो कलर शीट अपने रोल करके रखने के लिए बोले थे, हाँ वो तो आपका करेंसी नोट बन गया ना, उसको तो अपने पर्स में रखो फॉर अबंडेंस, तो उसको भी अभी चार्ज करने के लिए बाहर रख सकते हो, हाँ तो मैम वही पूछना था, बिल्कुल चार्ज बिल्कुल रख कर सकते। सकते क्या? तो मैम इसे ठीक कितनी देर तक रखना है है, बाहर, इन चीजों वन को आवर चार्ज मैंने करने क्या के है, लिए, वन कितनी आवर, तक वन आवर रखना आप रखिए, काफी है 1 घंटे तक। आप है मैम? सिंपल ग्लास लक्ष्मी में, यंत्र, कांच के ग्लास में पानी रखिए, और 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट कम से कम लगेंगे आपको, 108 टाइम वहां बैठ के मून लाइट में ही, बाहर बैठ के, चाहे बहुत ठंड नहीं है आज, मुझे नहीं पता आप कौन कौन सी सिटी से हो, दिल्ली में इतनी ठंड नहीं है आज, तो आप लोग ये कीजिए, ओम श्रीम चंद्रमसे नमः, इसको 108 टाइम चैंट कीजिए, वो पानी को चार्ज कीजिए, और पीने के लिए आप उसको किसी दूसरे ही ग्लास में ट्रांसफर कीजिए, पहले उसमें से पूरे घर में, मॉर्निंग में कल छींटा लगाएंगे और उसके बाद उसको पियेंगे फॉर अबंडेंस,
आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, क्योंकि इस समय हम दो प्लैनेट को वो कर रहे हैं, एक तो चंद्रमा, मून रिलेटेड हमारे मन का कारक, हमारी बहुत सारी चीजों को वो हेल्प आउट करता है, डिप्रेशन से निकालता है, बहुत सारी चीजें इससे हमारी ठीक होती हैं, एंग्जाइटी से बाहर। नेक्स्ट श्रीम, श्रीम मंत्र है जो माँ लक्ष्मी का है, इससे हम अपना चंद्रमा और लक्ष्मी को बैलेंस कर रहे हैं, जहाँ पे चंद्र लक्ष्मी योग बनता है एस्ट्रोलॉजिकली, वहां पे ये सारी चीजें कनेक्ट होने के बाद चंद्र लक्ष्मी योग, इससे एक रेमेडी बताती हूँ। चलो मैम आप मंत्र बताइए ना प्लीज एक बार। ओम, मैम ये ओम, मंत्रा ग्रुप पे लिखेंगे मैम प्लीज। हाँ मैं बता रही हूँ आप नोट कर लो, बहुत इजी है। ओम श्रीम चंद्रमसे नमः। कितने लोगों ने मनी बाउल बनाया था जो मैंने पिक्चर के फोटोग्राफ के साथ बताया था, मैंने बनाया था मैम, उसको मैंने भी आज बनाया। आप मूनलाइट में रख दीजिए, हाँ फोर रख बनार, दी, ठीक है। रख दिया मैम, मैंने रख हाँ दिया जी, मैम। लक्ष्मी यंत्र भी मूनलाइट में रखना है मतलब? यस 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 यस, कोई ओके भी यंत्र है थैंक यू। आज आपने कुछ भी चार्ज करने के लिए बनाया हो उसको आप रखिए। और जो ये वाटर चार्ज करने के लिए बताया है, आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, ग्लास का जग रख सकते हैं, सिल्वर ग्लास रख सकते हैं जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, चांदी को हम ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन कांच का ग्लास, प्लास्टिक नहीं रखना, ठीक है। अगर इसके साथ एक ग्रीन कैंडल जला लेंगे बाहर बैठते हुए मंत्र करते हुए, तो और सोने पे सुहागा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। मैं मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते क्योंकि नहीं, हमारी मून गैलरी लाइट नहीं। का मतलब मून, मून के नीचे एनर्जी, एनर्जी कैंडल बर्न करेंगे, पानी का ग्लास रखेंगे, और उसके बाद आप ये अफर्मेशन भी कर सकते हो, आई एम मनी मैग्नेट, आई कैन इजिली अट्रैक्ट मनी इन फोर डायरेक्शंस, मनी मनी कम्स टू मी। वहां पे आप ये मंत्र चार बोलेंगे, ओम श्रीम चंद्रमसे नमः। तो उसके बाद आप इस पानी को, आपके लिए वो चार्ज हो चुका है, आप अंदर लाएंगे, ट्रांसफर करेंगे दूसरे बर्तन में, उसके बाद कल मॉर्निंग में पूरे घर में साफ सफाई होने के बाद इसको स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और बाकी का जो पानी है सब लोग घर के उसको पी लेंगे, एज ए मेडिसिन काम करेगा, आपके लाइफ में प्रोस्पैरिटी अबंडेंस लाएगा, और किसी को हेल्थ इश्यूज है लाइक जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उससे ये ठीक होती है, आप पानी कितना भी चार्ज कर सकते हो, मैम इसको ज्यादा भी मटके बना में सकते हो। डाल दें पानी को, हाँ जी मैम, मटके में मिला दे वो पानी। यस यस, मिला सकते हो, वैसे तो आप उसको ऐसे ही ग्रहण कर लें, ऐसे ही कंज्यूम कर लें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि उसको हम, इसको ऐसे वाटर को जो हम चार्ज करते हैं ना, इसका एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, दैट्स मैम इट, क्योंकि पानी ये मून लाइट में अमृत बन चुका है। हाँ हेलो मैम, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? यस मैम मैं बोल रही हूँ हाँ मैम, जी एक हाँ कुछ जी और हाँ जी, वर्ड बता दीजिए मैम चैंटिंग करने का, कौन सा मैम? अभी जो आप ओम, बता। ओम श्रीम चंद्रमा, चंद्रमसे नमः। ओके मैम। एक मैम चीज और दे मुझे देती हूँ, मिरेकुलस है, आपको अभी रात से ही शुरू कर देना है इसको करना, बिल्कुल बिना सोचे बिना किसी विचार को किए आपको इसको बड़े ही आराम से करना है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इससे कुछ होगा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, पहले तो बी पॉजिटिव, वैसे मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, ये चैंट है ग्लेसिया लोबोलास तोरा से, ग्लेसिया लोबोलास तोरा से, उसके बाद मैंने लिखा है नेम, नेम में आप बोलेंगे अपना नाम, जैसे कि मेरा नाम है ग्लेसिया लोबोलास तोरा से रूबी, ग्लेसिया लोबोलास तोरा से रूबी, चैंटिंग मल्टीपल टाइम्स, इसको आज रात से स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग में उठकर रात को स्लिपिंग टाइम तक आप इसको यूज करेंगे, और डेफिनेटली आप इसका रिजल्ट रात को ही शेयर करेंगे सोने से पहले, कि आज कल जो टुमारो आपके लाइफ में क्या चेंज आया, आपको कहीं ना कहीं से कुछ अबंडेंस मिली क्या आपकी लाइफ में, ये एक्सपेरिमेंट है, आप सब लोग जरूर करना और फीडबैक जरूर शेयर करना, ये मिरेक्युलस आप वर्ड लोगों है। को फीडबैक आप करोगे ही करोगे, क्योंकि मिरिकल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, मैम ये बोला रात को सोते समय करना है, सोते टेस्टेड, समय। हाँ जैसे भी कर सकते हो, खाना बनाते, ड्राइव करते, कुछ भी काम करते हुए, घूमते फिरते, बस आपको यू बोलते हुए चले जाना है, ग्लासिया लोबोलास तोरा से रूबी, ग्लासिया लोबोलास तोरा से रूबी, रूबी की जगह नहीं, रूबी रूबी बोलते जाओ, सब कुछ मुझे मिल जाएगा, ले आप वहां पे आपको अपना नाम बोलना है, जैसे किसी का नाम यहाँ पे अंशिका है, ग्लासिया लोबोलास तोरा से अंशिका, क्लियर, वहां पे आपको अपना नाम प्रोनाउंस करना है,
अच्छा ये मनी के लिए, मनी के लिए और मैम, अबंडेंस। ये आप ना आप खुद बताइएगा किस क्या चीज आपको मिली, क्योंकि ट्राई एंड टेस्टेड 200% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये मैम आप आप मिशन ट्रांसलेशन होने से कर दो पहले ग्रुप ओपन है मैम, सारे, उसको आप वहां शेयर करना अपना ग्रुप विजन में बोर्ड वाली मेंशन ग्रुप कर में से ही देंगे हो, आप मैम। सब लोग वहां शेयर करना। मैम आज से शुरू कर दें नमी रूटीन करते को लब्बी से कर दो, बैठे में बैठे करूं? हमें सुनते भी रहो और ये चैंट भी स्टार्ट कर दो। क्लियर? मैम हाँ जी और लक्ष्मी योग जो आपने चंद्रमा लक्ष्मी योग मंत्र वो बोलने वाले थे वो हाँ नहीं जी, बोले ओम श्रीम चंद्रमसे नमः। नहीं मैम, दूसरा ब्लेसिया और एक बोले थे आप, नमः। चंद्रमा लक्ष्मी योग। हाँ ये चंद्र लक्ष्मी योगी तो हुआ ना, यहाँ लक्ष्मी जी का जो है बीज मंत्र क्या है, श्रीम, ठीक श्रीम है, और चंद्रमा को हम कर ही रहे हैं यहाँ प्रणाम, ओम चंद्रमसे नमः होता है सिर्फ ये वर्ड, अकेला जो बीज मंत्र है यहाँ पे ऐड ऑन मैम किया हमने, ओम श्रीम चंद्रमसे नमः। मैम मेरे को एक पूछना है, वो डायरी आपने बोला था ना बनाने के लिए, तो वो डायरी का पेज फाड़ के उसको बंद कर मत सकते हैं क्या? फाड़ो, मत फाड़ो, आप अच्छा उसको आप रख अच्छा सकते हो, उसके अंदर जो बेलीफ है उसको आप बर्न करके यूनिवर्स को दे दो। अच्छा और मैम आगे का जो आपने बोला ना कि 3 दिन या पूरा 1 हफ्ता अगर हाँ उसी करना है फिर डायरी में से आप वो, लिख सकते हो, आपकी वही डायरी जो अच्छा आपने बनाई है उसी में आप हाँ, स्टार्ट कर सकते हो। और उसमें सिर्फ वो सिंबल बनाना है, 7 का जो वो सिंबल है वो हाँ बनाना है। हाँ चौकोरे का सिंबल बनाए, इन्फिनिटी बनाना है बना दीजिए, बट इसके साथ आप एक चीज वहां पे ये जरूर लिखिएगा, जैसे मैम ने विजन बोर्ड में आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप है हमारा ग्रेटिट्यूड, तो हमें वहां पे भी आई थैंकफुल टू ऑल थिंग्स, जो आपको 2023 में जो भी आपने अचीव किया उस सब के लिए पहले आपको थैंक यू बोलना है। किसी को आज कुछ अच्छा रिलीज करना है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज लगता है आपको कि कुछ है हमारी लाइफ में, या कोई पर्सन ऐसा नेगेटिव है, उसके लिए भी आप एक रिचुअल कर सकते हो, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से उस पर्सन का नाम या आपकी कोई बैड हैबिट जो आपको लगता है कि मुझे इस साल में छोड़ देनी चाहिए और मुझे लेट गो करना चाहिए, जैसे किसी का लेजीनेस है, प्रोकास्टिनेशन है, या कुछ भी एनीथिंग जो आपको लगता है कि आपको लाइफ में या इन फ्यूचर आने वाले साल में वो आपके साथ ना कैरी करें आप, तो उसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और उसको भी बर्न करके जो उसकी, इसको वॉशरूम में करेंगे आप, इसको बर्न करके इसकी ऐश को आप फ्लश आउट कर देंगे और उसके बाद हाथ मुंह पैर धोकर ही बाहर आएंगे। आप इन चीजों को भी आज रिलीज कर सकते हो अपनी लाइफ से, ठीक है, जो आपको ओके नहीं चाहिए, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, आपकी बैड हैबिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मैम, ये जो जो, डायरी में लिखना है ना, अभी जैसे डायरी में 1 वीक तक लिखना है, मतलब 31 लास्ट लिखना है ना, नहीं 31 तक आपकी लिखना मर्जी है वो, आप 11 days, 21 days, 7 days, 4 days, है। टू ओके डेज जितना आपको कंफर्टेबल है, ये आपने माइंड सेट करना है कि आपको कितना लिखना है। क्लियर? तो उसमें फिर मैम उसको बंद नहीं करना है ना, वो नहीं तेज नहीं पत्ते नहीं को नहीं ही? सिर्फ बे लीफ को बर्न करना है आपको, अच्छा तो बे लीफ को कभी भी बंद कर सकते हैं अगर वो हम लोग समझो 21 डेज आफ्टर का गया। आफ्टर 3 days के लिए करती हूँ, जैसे आपने किसी ने बनाया कि मैं 3 दिन ही लिख पाऊंगा, मुझे फिर जाना है न्यू ईयर की पार्टी के लिए, तो आप 3 by 3, 3 time आपने विशेज लिखी, 3 days लिखी, आप 4 day उसको आप बे लीफ को बर्न कर सकते हैं। अच्छा और मैम ये बुक्स को सिर्फ भगवान के पास रखना है हाँ समझो, भगवान के मतलब पास रख सकते हैं, किसी और साफ सुथरी जगह पे रख सकते हैं, अलमीरा का कोई, आपका कबर्ड का कोई एक ऐसा ड्रॉअर होता है वहां रख सकते हैं, मैसी चीजों के साथ अच्छा इसको मत रखना, अच्छा मतलब इसको वहीं पे रखना। हाँ मैम, जी इसको मतलब जी फाड़ना नहीं, इसके पेपर को नहीं फाड़ना नहीं। नहीं जिनको जिन्होंने ओके पेपर्स पे ही लिखा है वो नहीं संभाल पाएंगे, उनको बर्न मैम करना। रूबी जी, आशा जी का शायद कोई क्वेश्चन है, एक ही पे हम रहेंगे तो बाकियों के जी क्वेश्चन जी नहीं पाएंगे। जी आशा जी आप बोलिए। एक्चुअली मैम वो पहले रेस्क्यू आए हैं। ओके ओके, ओके आप आपका, हैंड डाउन कर लो जिनका क्वेश्चन हो गया है। अंशिका आपका कोई क्वेश्चन है? आई थिंक मैम सबके ये पहले के ही हैंड रेज है। ओके नहीं मैम आपका मेरा कोई है। हाँ क्वेश्चन जी सविंदर जी बोलिए। है मैम, जो आपने बे लीफ वाला बोला है उसमें अपनी विश लिखनी है और विश के मैम बाद, मेरा मैम वंदीप, हाँ जी सविंदर जी के बाद आपका क्वेश्चन लेती हूँ मैं। हाँ जी आप बोलो, कंटिन्यू करो। इस टाइम ही लिखना है और विश लिखनी है बस, और सिंबल बनाना है, राइट, दैट्स इट। ठीक और नीचे है आपको थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड। ओके। तो मैम जो श्री ओम श्री रामचंद्र में चंद्र में से नमः रामचंद्र बोला, नहीं है, ओम श्रीम चंद्रमसे नमः, ठीक है, तो वो मैम जो आपने बोला है ये वो वाटर चार्ज मनी करना है के लिए? आपको अभी मूनलाइट में, लाइक अ मेडिटेशन, 5 मिनट आईज क्लोज करेंगे, वाटर का ग्लास रखेंगे, ग्रीन कैंडल बर्न करेंगे, उसके सामने ये मंत्रा चैंटिंग करेंगे,
और जिनके पास जो जो भी मटेरियल आपका रखा है चार्जिंग के लिए, वो सब अपना सामान सब बाहर रखेंगे, ठीक है? उसके साथ जैसे मैंने ना, मतलब मैं आपसे पहली बार जुड़ी हूँ आज। पहले हाँ मैंने जी एक क्रिस्टल ऑर्डर किए है, अभी तक मुझे मिले नहीं है, शायद 2 दिन में आ जाएंगे। मैंने पहले किसी और से ब्रेसलेट लिए थे, तो उसको चार्ज कर सकती हूँ? ठीक बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास कुछ भी ऐसा है आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है मैम, थैंक यू है? मैम, मूनलाइट में आपको चार्ज करना ही चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास कैसी लगी? शेयर योर अपना फीडबैक। क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ जी मैम ग्लेशिया दी, लोबला प्रीति मैम, जो नाम बताना है, ये रेगुलर करना है या ये आज के दिन ही करना है? आज रेगुलर जब स्टार्ट तक करेंगे, चाहिए हो कल तब तक स्लीपिंग करते टाइम रहना, तक। कंटिन्यू क्लियर? कर। आज आज अभी से स्टार्ट करेंगे, कल रात को सोने से पहले तक। पूरा दिन ठीक है कल का मैम। है आपके पास, ठीक है? हाँ एक और चीज मैम, हाँ जी, आपने बोला था इन्फिनिटी का साइन बनाना है, वो पर्पल कलर की पेन से बनाना है? देखो पर्पल कलर का पेन अगर सबको अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर अवेलेबल नहीं होता वहां आप ब्लू पेन यूज कर सकते हो। हाँ जी, इसी फिंगर के नीचे, राइट। और मैम एक चीज और, जो आप कैंडल के लिए बोल रहे हो, अगर मैम हाँ, कैंडल नहीं हो तो कोई दिया जला कपूर लो। बर्न तो हाँ नहीं, कपूर नहीं, कोई दिया जला लो, क्योंकि कपूर ना बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जल्दी से बर्न हो जाएगा। आपको अगर वो मंत्र चैंटिंग करने में 5 मिनट भी लगे, तो आप छोटा सा दिया जला सकते हो। वहां पे एक तरह से फायर ठीक है। एलिमेंट इन्वोक किया, वाटर रखा। हमारे 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए ये चीजें हम अपने साथ रखते हैं, ठीक है? कौन डन। थैंक यू मैम, थैंक यू। बोल रहे हैं? हाँ मालती, जी मैम बोलिए। ये 8 यहाँ लिखना है इंफिनिटी का, हाँ जी, सेकंड फिंगर के नीचे, हाँ, इंडेक्स फिंगर के साथ, मध्यमा उंगली। और आपने वो बताया कि जो अपने को छोड़ना है वो आज ही के दिन करना है, एक दिन के आज लिए। ही करना है, जिस चीज से आप लेट गो करना चाहते हो, आपको अपनी लाइफ में कैरी नहीं करना, जो हाँ नहीं चाहिए, उसको हाँ आप आज ही लिखेंगे, बर्न करेंगे। ये रेमेडी वॉशरूम के अंदर होगी, वहां जाके आप इसे फ्लश आउट करते हुए, आई रिलीज इट, आई रिलीज इट, रिलीज रिलीज रिलीज, क्लियर? ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा, जिन्होंने भी जुड़ना था वो जुड़े, यूनिवर्स को जिनको सिलेक्ट। बिल्कुल मैम बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका थैंक कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए नेहा। वो जो मंत्रा मेडिटेशन करना है वो किसी ओम माला पे? श्रीम, ओम श्रीम। मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, यहाँ चैट बॉक्स में, आप नोट कर लेना सब। मुझे पूछना है वो किसी पर्टिकुलर माला पे करना है या नहीं नहीं ऐसे नहीं ही आप बोल? फिंगर चैंटिंग कर सकते हो, और ठीक कमल गट्टे की माला हो तो उसपे कर सकते हो, नहीं है तो आप फिंगर चैंटिंग कर सकते हो। ठीक है। मैंने कितने टाइम पर करना है वो, मतलब फिंगर चैंटिंग कितनी बार करनी है? 108। 1 0। मैम मेरे पास तुलसी की माला है तो वो ले, वो रुद्राक्ष की नहीं माला नहीं है नहीं तो वो लेके नहीं कर नहीं सकते आप हैं? फिंगर चैंटिंग ही कर लो, क्योंकि हर माला का एक अलग रूल होता है, ऐसे नहीं, ठीक है? ओके चलिए, ऑल द बेस्ट न्यू ईयर के लिए। मैं आपको चीजें हैं जो देखिए एक मैंने यहाँ लिख दिया है चैट बॉक्स में, जिनको नहीं समझ आया वहां से आप ले सकते। नमा से नमा उन्होंने लिख दिया है, रूबी जी ने, आप वहां से नोट कर सकते हैं। और अभी आपके लिए न्यू ईयर में के लिए गिफ्ट्स बहुत सारे हैं। मैं इस मंथ के एंड में न्यू ईयर की प्लानिंग के लिए आपके लिए प्री टैरो रीडिंग करूंगी, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, अपना एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एक सरप्राइज रहेगा आपके लिए, सरप्राइज क्या, आपको मैंने बता ही दिया, तो सरप्राइज नहीं रहेगा। फ्यूचर तो प्रेडिक्शन, आने इसके वाला साल कैसा रहेगा? इस बार अलावा फर्स्ट फ्यूचर रीडिंग की रूबी बात जी की करेंगे होगी। कि 2000, मैम इस बार मेरी रीडिंग करना सबसे ठीक पहली, मैंने नहीं है, वो आप करवाई लोगों के लिए रहेगा, तो हम जल्दी अनाउंस कर देंगे। और इसके साथ साथ न्यू ईयर्स के अंदर आपके लिए बहुत सारी मैम चीजें, आपने एक चीज और अनाउंस करनी थी, मे बी आप भूल गए, जो हमने एक वीक आगे बढ़ा दी, एक्सटेंड कर दिया, उसके बारे में भी अनाउंस कर दो। आप कर दीजिए रूबी मैम। मैम ने ये डिसाइड किया है कि जो इन्होंने 25th को जो क्रिसमस का एक ऑफर दिया था, 50% ऑफ काउंसलिंग का या टैरो रीडिंग का, उसके लिए आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो, उसका एक वीक न्यू ईयर का हमने 1 to 7, 1 तारीख से 7 तारीख तक बुकिंग्स लेंगे। जैसे जैसे होगा फॉलो अप करते रहेंगे और आप लोगों की काउंसलिंग सेट कर देंगे, क्योंकि इस समय भी क्राउड बहुत हो गया है, रश है, तो इसीलिए हमें लोगों की डिमांड पे इसको बढ़ाना पड़ा है।
क्योंकि जिनको हमने मना कर दिया वो लोग बहुत रिक्वेस्ट पे कि नहीं प्लीज मैम कर दो ये साल फिर, तो हमें भी लगा कहीं ना कहीं शनि महाराज का साल है तो कुछ ब्लेसिंग हमें भी मिल जाए, तो वो काउंसलिंग 50% पे बुक होंगी आप लोगों की, जो भी इंटरेस्टेड हो या आप अपने नोन में अपनी फैमिली में अपने किसी भी उससे कराना चाहती हो किसी के लिए भी, तो आप मैम से कॉन्टेक्ट कर लेना। क्लियर? और आज की वीडियो ओपनली अपलोड होगी, अगर आप चाहें तो ये दूसरों को, जैसे मैंने आपको डोनेशन दी, मैंने आपको हेल्प की, आप अपने फ्रेंड्स में डियरेस्ट नियरेस्ट जिनको भी सर्कुलेट करना चाहें कर सकते हैं। आई होप सो कि जिन तक भी ये मैसेज जाए हर कोई अपने लिए विजन बोर्ड बना पाए और वो कनेक्ट हो पाए। मैम एक चीज और बोलना चाहूंगी, बहुत सारे लोग अभी लीव कर चुके हैं, जिन लोगों ने भी एंड तक यहाँ पे सेशन को अटेंड किया है, बहुत सारी रेमेडीज हम देते रहते हैं यहाँ पे, रेमेडीज तभी वर्क वर्क करेंगी आपके लिए। पर्पस ये नहीं है कि यहाँ हमें कुछ फेम नेम फेम मिल रहा है या कुछ है, आपके लिए वर्क तभी करेंगी जब आप इसके लिए कुछ एनर्जी एक्सचेंज करते हो। तो एनर्जी एक्सचेंज आपका यही होगा, आप या इसको शेयर कीजिए, अदरवाइज आप अपने घर की मेड को डॉग को काउ को हमारे नाम से कुछ फीड जरूर करा देना, अदरवाइज ये चीजें वर्क नहीं करती। एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है, इसका पर्पस ये नहीं है कि हमें कुछ मिल रहा है, ये चीजें आपके लिए वर्क करेंगी तभी। क्लियर? कोई भी यंत्रा मंत्रा कोई चैंटिंग कोई स्विच वर्ड कुछ भी आप यूज करते हैं, तो एक छोटा सा एक 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट तो आप किसी को भी दे सकते हो, है ना, अपने घर की मेड को खाना भी खिला सकते हो। मैम आप म्यूट हो। मैं आपको ये बोल रही हूँ नए साल के अंदर बहुत सारी प्लानिंग है, यंत्रा का एक सेशन आएगा वो आप अटेंड हाँ करते हैं, टैरो का सेशन आने वाला है, रूबल्स का सेशन आने वाला है, मतलब इतना कुछ है, एंजल्स रिपीटिव नंबर एंजल्स नंबर बहुत सारी चीजें हैं जो लाइनअप है, तो जहां पे भी हूँ वहां बने रहिएगा ताकि हम लोग आपको टाइमली अपडेट करें। सिखाओगे टैरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी, वैदिक बिल्कुल न्यूमरोलॉजी बिल्कुल आपने मैम बोला था। सब आ रहा है मैम, बैक टू बैक कोई ना कोई कोर्सेज अब आने ही वाले हैं, करो स्टार्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल आ रहा है मैम डेफिनेटली इसी साल में अभी न्यू ईयर में बहुत सारी हम लोग प्लानिंग 10:30 बज गए ऑलरेडी, सबके पेरेंट्स या घर में जो भी होंगे सब नाराज होने शुरू हो गए है, होंगे। अभी हमें रिचुअल्स भी करने हैं, मेरा तो आधा काम रह गया अभी। चलिए आप सब भी कर लीजिए और हम लोग भी, इजाजत दो जा सकते हैं। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच, मैम। थैंक यू।